Hello, my dear students. So today we are going to start our next prose lesson, that is The Merchant of Venice. बेटा अब प्रोज के हमारे पास 8 ही लेसन्स थे और ये 7th है और इसके बाद एक और रह जाएगा. तो उसके बाद आई विल सी कि वेदर आई विल स्टार्ट स्टोरीज और पोइट्री. तो बस ये आज का ये जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके बाद एक और है आपका प्रोज का लेसन. उसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टोरीज और पोइट्री. तो उसकी आप चिंता मत करो, मैं सारा कवर करने वाली हूँ. सो कमिंग टू आवर टुडेज प्रोज लेसन, दैट इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस. बेटा सबसे पहले टाइटल की बात करेंगे. इसका जो टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट होता है एक बिजनेस मैन, जो कि एक बिजनेस भी होता है उसका, और बिजनेस के साथ साथ वो लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर पैसे भी उधार पर देता है. एंड वेनिस जो है, वेनिस बेटा एक जगह का नाम है. तो ये लिखी किसने है? ये लिखी है शेक्सपियर ने. शेक्सपियर जो है वो सम 16 सेंचुरी के बहुत ही अच्छे प्ले राइटर थे, नोवेल राइटर थे. प्ले होता है बेटा नाटक जैसी, नाटक जिसमें डिफरेंट लोग जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि पात्र प्ले करते हैं. जैसे नवरात्रों में जैसे रामलीला होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्ले जो करते हैं. ऐसे तो रामायण जो है वो तो एक होली बुक है, उसके अंदर एक राम एंड सीता, ये जब हमारे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं इनकी स्टोरीज हैं. बट रामलीला जो होती है नवरात्रों में, दैट इज़ अ प्ले, वो प्ले करते हैं. तो अब आपको प्ले समझ में आया? प्ले होता है जिसमें कुछ रोल करने वाले प्लेयर्स होते हैं, रोल प्लेयर्स. नाउ ये जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, नाउ बेटा अब इसमें कौन कौन से रोल्स हैं, कौन कौन से इसमें करेक्टर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ. फर्स्ट करेक्टर है शाइलॉक. शाइलॉक जो है वो एक मर्चेंट है, और एक ज्यू है. ज्यू जो है वो एक डिफरेंट रिलीजन है. जैसे यूरोपियन नेशंस में एक क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, ज्यूइज्म एक रिलीजन है. ज्यूइज्म के जो लोग हैं, जो ज्यूइज्म फॉलो करते हैं, वो मोस्टली इज़राइल के लोग हैं. इज़राइल के लोग आर ज्यूश, ज्यू पीपल. एंड नाउ आपको मैंने बताया एक शाइलॉक है मर्चेंट, और एक और मर्चेंट है एंटोनियो. एंटोनियो क्या है? एंटोनियो इज़ अ क्रिश्चियन एंड शाइलॉक इज़ अ ज्यू. नेक्स्ट इज पोर्शिया. पोर्शिया कौन है? नहीं, पोर्शिया से पहले नेक्स्ट इज बसानियो. बसानियो इज़ एंटोनियोज फ्रेंड. दो मर्चेंट्स हैं, एक एंटोनियो है, एक शाइलॉक है. अब एक है बसानियो. बसानियो इज़ एंटोनियोज फ्रेंड. नेक्स्ट इज पोर्शिया. पोर्शिया इज़ फियांसी ऑफ बसानियो. पोर्शिया इज़ फियांसी ऑफ बसानियो. नेक्स्ट इज बल्थासर. बल्थासर ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी बल्थासर कौन है. नेक्स्ट इज बिलेरियो. बिलेरियो इज़ कज़न ऑफ ये पोर्शिया. पोर्शिया का कज़न है और है ड्यूक ऑफ वेनिस. ड्यूक राजा को हम ड्यूक बोलते हैं, और वेनिस मैंने आपको बताया जगह का नाम है. नाउ कमिंग टू द स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन क्या है बेटा? स्टोरी लाइन है इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जहाँ तक मेरा अपना अजम्पशन है, मेरे अपनी सोच है कि शेक्सपियर जो था, शेक्सपियर खुद क्या था? एक क्रिश्चियन था. और यूरोपियन नेशंस में क्रिश्चियन जो हैं उनको ज्यू पीपल के लिए मन में एक हेट्रेड है, एक नफ़रत का भाव वो रखते हैं ज्यूश पीपल के लिए. तो इसलिए इस स्टोरी में भी, इस लेसन में भी क्या है कि जो शाइलॉक है वो एक ज्यू है. तो मेरे ख्याल से इसलिए उसको एक नेगेटिव पोर्ट्री करके बताया हुआ है, उसको विलन बनाया हुआ है स्टोरी में. एंड एंटोनियो इज़ ए क्रिश्चियन, और उसको एज अ हीरो बताया हुआ है, क्योंकि जो स्टोरी राइटर है वो शेक्सपियर है खुद, एंड शेक्सपियर जी खुद भी एक क्रिश्चियन है. तो उन्होंने क्रिश्चियन को हीरो बनाया है और ज्यू को उन्होंने विलन बनाया. खैर हमें क्या लेना, वी आर
हमें तो सिर्फ स्टोरी पढ़नी है, और इसकी हम स्टोरी लाइन पे फिर से वापस आते हैं। अब शाइलोक और एंटोनियो जो हैं वो दोनों क्या हैं, वो मर्चेंट हैं, वो लोगों को पैसा उधार पर देते हैं। अब वो पैसा उधार पे देते हैं तो वो इंटरेस्ट भी लेते होंगे। शाइलोक जो है, शाइलोक इसमें क्रूएल बताया हुआ है। शाइलोक जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा देता है और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे बड़े ज़्यादा पैसे कर्ज के तौर पर वो वसूल करता है। अब जबकि एंटोनियो ऐसा नहीं है, एंटोनियो तो कभी कभी इंटरेस्ट भी नहीं लेता, वो तो कर्ज भी नहीं लेता कभी कभी। एंटोनियो बड़ा ही दयालु बताया हुआ है, बड़ा ही काइंड। अब जो एंटोनियो है उसे बताया गया है काइंड, और बेसानियो सॉरी शाइलो को बताया गया है क्रूर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि एंटोनियो का जो फ्रेंड है बेसानियो, उसे प्यार है और उसे शादी करनी है एक लड़की जिसका नाम है पोर्शिया। लेकिन अब पोर्शिया से शादी करने के लिए उसे कुछ मनी चाहिए। अब कुछ मनी जो है वो लेने के लिए किसके पास जाता है, अपने दोस्त एंटोनियो के पास। वो एंटोनियो से कहता है कि मुझे तुम कुछ पैसे उधार पर दो, कितने, 3,000 ड्यूकैट्स। ड्यूकैट्स वहाँ की करेंसी का नाम है, वेनिस की करेंसी का नाम। तो अब क्या है कि अब उस टाइम पर एंटोनियो के पास पैसा ही नहीं है। एंटोनियो ने अपने सारा पैसा अपने बिजनेस पे लगाया, उसका शिप्स का बिजनेस था और वो सारी शिप्स उसके उसने उस टाइम पे फॉरेन भेजी हुई थी। तो अब उस टाइम पर उसके पास कोई भी रेडी कैश अवेलेबल नहीं था ना। हो अब वो अपने दोस्त की मदद करना भी चाहता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो किसके पास चला जाता है पैसे उधार पर लेने के लिए, क्रूएल निर्दयी शाइलोक के पास। अब शाइलोक को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है मुझे अपने दुश्मन को बदला लेने का, उससे बदला लेने का, क्योंकि एंटोनियो जो था उसे लगता था कि एंटोनियो कम कर्ज पर भी पैसे दे देता है लोगों को और इससे ये मेरा बिजनेस जो है वो ख़राब करता है और इसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। अब शाइलोक को लगा कि अब एंटोनियो से बदला लेने का ये मेरे पास बेस्ट चांस है। तो वो जो है वो शाइलोक जो है एंटोनियो को पैसे तो उधार पर दे देता है, लेकिन उसे बोलता है कि इन पैसों के बदले तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर वो विद इन टाइम ड्यूरेशन, जो भी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने सेट करी है कि इतनी देर में एंटोनियो पैसे लौटा देगा, अगर इतनी ड्यूरेशन में एंटोनियो पैसे नहीं लौटाता है तो शाइलोक जो है वो उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश जो है, 1 पाउंड मांस जो है वो उसकी बॉडी से लेगा जिस भी पार्ट से उसका मन करेगा। एंटोनियो मान जाता है क्योंकि एंटोनियो को अपने दोस्त बिसानियो की हेल्प करनी होती है कि, और उसे लगता है कि मैं तो विद इन टाइम ड्यूरेशन, जो भी सेट टाइम ड्यूरेशन है, मैं उसमें उसके पैसे तो उधार चुकता कर ही दूंगा। और वो जो है एंटोनियो वो एग्रीमेंट साइन कर लेता है। अब क्या होता है, अब विद इन जो टाइम ड्यूरेशन जो सेट करी होती है उसमें एंटोनियो पैसे लुटाने में फेल हो जाता है। एंटोनियो पैसे नहीं लुटा पाता क्योंकि उसकी शिप जो है वो वापस ही नहीं आती। तो सबको लगता है कि इसकी शिप जो है वो सी में, समंदर में गुम हो गई है। अब जो है शाइलोक जो है एंटोनियो को कोर्ट तक ले जाता है। शाइलोक जो है एंटोनियो की शिकायत कोर्ट में करता है उसके खिलाफ। अब वो केस चलता है, शाइलोक जो है एंटोनियो के खिलाफ केस चलाता है कि इसने मेरे विद इन टाइम ड्यूरेशन इसने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, अब जो एग्रीमेंट में लिखा है अब वो पूरा किया जाए। अब पोर्शिया को ये सब मालूम पड़ता है तो एंटोनियो ये सब बेसानियो को बताता है और फिर पोर्शिया को भी ये सब पता चलता है। अब पोर्शिया जो है वो खुद ही अपनी तरफ से बिना बेसानियो को बताए अपने कज़न, पोर्शिया के कज़न का नाम मैंने आपको बताया बिलारियो, बिलारियो को ये सब बताती है। बिलारियो जो है पोर्शिया को कुछ एडवाइस करता है, कुछ सलाह देता है और उसे अपने वकील के कपड़े भेजता है और एक लेटर भेजता है कि ये जो लेटर है ये तुम ड्यूक ऑफ वेनिस को दे देना। पोर्शिया जिस दिन केस की हियरिंग होती है, जिस दिन केस की सुनवाई होती है, उस दिन पोर्शिया वो वकील के कपड़े पहनकर अपना वेश बदल कर एक मेल
एक लड़का बनकर वो कोर्ट में पहुंच जाती है उनका केस लड़ने के लिए। अब वो ड्यूक ऑफ वेनिस को वो लेटर दे देती है जो बेलारियो ने भेजी थी, और उस लेटर में लिखा है, उस लेटर में लिखा होता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस के लिए कि बेलारियो जो है वो, बेलारियो खुद एक लॉयर है, और उस लेटर में उसने लिखा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से इसको, जो उसकी कज़न है यानी कि पोर्शिया, इसको केस लड़ने दिया जाए। तो वेनिस जो है, जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, वो मान जाता है। अब केस की सुनवाई जो है वो शुरू होती है। सबसे पहले जो पोर्शियो जो वकील बन के आई होती है ना, उसमें वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है बल्थासर, यानी कि जो वो लॉयर है, जो वेश बदला हुआ लॉयर है, उसका क्या नाम है? बल्थासर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इसका जो करेक्टर है ये मैं आपको स्टोरी में बताऊंगी। तो अब केस की सुनवाई शुरू होती है। इससे केस की सुनवाई के दौरान बल्थासर जो है, यानी कि जो पोर्शिया ही है, वो पहले तो अपील करती है कि एंटोनियो को तुम माफ़ कर दो, लेकिन शाइलॉक नहीं मानता। अब क्या है, वो पहले बहुत अपील करती है कि तुम माफ़ कर दो, या देखो इससे इसका डेथ हो जाएगा। तो यही तो वो चाहता है शाइलॉक, शाइलॉक मानता नहीं है। शाइलॉक को लगता है कि इससे अच्छा मौका अपने एनिमी को ख़त्म करने का उसको नहीं मिलेगा। एंड देन उसके बाद क्या होता है, अब पोर्शिया या बल्थासर, क्योंकि पोर्शिया ही बल्थासर बनी हुई है, बल्थासर जो है वो उसको बोलता है तुम्हें इसका फ्लैश निकालना है, फ्लैश अगर मांस निकालना है तुम्हें इसका, तो तुम जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, क्योंकि इसका ब्लड निकलेगा, ब्लड नहीं निकलना चाहिए इसका। तो शाइलॉक कुछ समझ नहीं पाता, वो बोलता है कि मांस कटेगा तो ब्लड तो निकलेगा ही। तो इस पर वो बल्थासर बोलता है कि एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि तुम इसका ब्लड भी निकालोगे, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें इसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश कट करना है, तुम कर लो, लेकिन एक भी बूंद नीचे खून की नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट तुम्हें 1 पाउंड ऑफ फ्लैश देता है, मांस देता है, लेकिन खून का एक बूंद भी नहीं देता एग्रीमेंट। अब शाइलॉक फंस गया। अब शाइलॉक कैसे करे, अब किसी का भी मांस काटना हो ब्लड तो निकलेगा किसी भी जिंदा इंसान का। शाइलॉक जो है अब वो फंस गया, अब वो क्या करे। शाइलॉक समझ आता है कि अब तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उसका खून निकलेगा तो कोर्ट ऑफ जो वेनिस है, अब वो उस पर भी एक्शन ले सकता है शाइलॉक पर। तो शाइलॉक बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे जुर्माने के साथ मेरी 3 गुना मनी मेरी वापस कर दो। इस पर भी वो जो पोर्शिया है या बल्थासर है, वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम इसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लो, लेकिन बिना खून का कतरा गिराए हुए। अब ये तो इम्पॉसिबल है। तो इससे क्या हुआ, जो जो सुनवाई है वो किसके फेवर में हो जाती है, वो एंटोनियो के फेवर में हो जाती है। और जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, वो शाइलॉक को बोलता है कि तुम्हें अपनी संपत्ति, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा किसको देना है, आधा हिस्सा तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी, एक सज़ा के तौर पे तुम्हें देना पड़ेगा एंटोनियो को, और आधा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा तुम्हारी प्रॉपर्टी का। और क्योंकि तुमने एक एक क्रिश्चियन के खिलाफ उसे मारने की साजिश करी है। तो अब जो एंटोनियो है वो उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि वो आधा हिस्सा इसकी बेटी को ही दे दो, क्योंकि उसकी बेटी ने एक क्रिश्चियन के साथ शादी करी होती है। नाउ अब जो है, जो फैसला है वो किसके फेवर में हो गया, वो एंटोनियो के फेवर में हो गया। नाउ अब जब केस जो है एंटोनियो के फेवर में हो गया, तो जो बल्थासर है वो क्या मांगता है, बल्थासर मांगता है, बल्थासर जो पोर्शिया ही बनी हुई है, वो मांगता है कि थैंक यू के बदले, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले तुम अपनी रिंग जो है, एंगेजमेंट वाली रिंग, वो मुझे दे दो। जब वो रिंग मांगता है बल्थासर उससे, तो पहले तो बसानियो मना करता है, क्योंकि वो रिंग उसकी एंगेजमेंट की रिंग होती है, और वो पोर्शिया से बहुत प्यार करता होता है, वो नहीं चाहता है कि वो रिंग अपने आप से अलग करे। लेकिन एंटोनियो के इंसिस्ट करने पर वो रिंग जो है बिसेनियो बल्थासर को दे देता है एज अ वोट ऑफ थैंक्स। अब
उसके बाद जब वो बिसेनियो मिलने के लिए पोर्शिया से बेलमोंट, बेलमोंट एक जगह का नाम है, वहाँ जाता है, तो पोर्शिया जो है वो एक नाटक करती है कि उसे वो कहती है कि तुमने मेरी रिंग खो दी, तुमने मेरी रिंग खो दी और मैं तुमसे नाराज़ हूँ। उसे नाराज़ हो जाती है, तो बिसेनियो उसे सब कुछ बताता है कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने एज अ थैंक्स के बदले, उसने जो फेवर किया था हमारे लिए उसने उसके बदले रिंग मांगी, सो एंड सो, इसलिए मुझे रिंग देनी पड़ी। तो इस पर पोर्शिया उसे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने मेरी रिंग दे दी, मैंने वैसी ही एक और रिंग बनवाई है, तो तुम मुझे वो रिंग पहना दो, ये वाली एंगेजमेंट रिंग, अब तुम लेकिन इस रिंग को अपने आप से अलग नहीं करना। तो वो रिंग वो देखता है, वो बिसेनियो देखता है, वो बिल्कुल वैसी ही रिंग होती है और वो उसको पहना देता है। और उसके बाद पोर्शिया उसे बताती है पूरी स्टोरी कि कोर्ट में बलथसर बन के मैंने ही केस लड़ा था और मैंने ही तुमसे हमारी अंगूठी मांगी थी। तो ये सुनने पर सारे बहुत ज़ोर से हंसते हैं, एंटोनियो, बिसेनियो और पोर्शिया तीनों ज़ोर से हंसते हैं। तो ये था इस स्टोरी लाइन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब सारी सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट में हो, कुछ भी हमारे फेवर में ना हो, तब भी अगर हम शांत दिमाग से, अगर हम एकदम काम एंड कूल होकर सोचें, तो हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का ज़रूर होगा। तो इसलिए हमें कभी भी परेशान होकर प्रॉब्लम्स का सोच के कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग से कोई भी लिया हुआ स्टेप हमारी सारी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हमारे फेवर में ला सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। टिल देन आप लोग सेफ रहिए, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।